किसान कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मिश्रा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब है लिखा हुआ, उसको दबा दीजिए, इससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ, एक फॉक्स और ग्रेप्स की। तो हम लोग सुनना स्टार्ट करते हैं। एक भूखी फॉक्स थी, एक भूखी लोमड़ी थी, जो बहुत उसे तेज़ भूख लगी हुई थी। वो रास्ते में इधर उधर भटक रही थी, जा रही थी। तो रास्ते में उसे जो है कि एक बाग दिखा, ग्रेप्स का बाग दिखा, बगीचा दिखा। उसमें बहुत सारे अंगूर लटक रहे थे। तो फॉक्स ने जब देखा तो उसे भूख भी लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, उस बगीचे में जाकर अंगूर को खाने का सोचा और ग्रेप्स के ऊपर कूदना स्टार्ट की। ग्रेप्स ऊपर लटक रहे थे, नीचे से फॉक्स कूद रही थी कि ग्रेप्स मुझे मिल जाए और मैं खा के अपने भूख को शांत कर लूँगा। तो फॉक्स जो थी वो बहुत कूद कूद के उसे लेने का कोशिश कर रही थी, पर उसे वो अंगूर नहीं मिला, जिससे वो निराश हो गई। जब वो निराश हो गई तो वो चली। तो पहले तो उसने क्या सोचा था, पहले उसने सोचा था जब ग्रेप्स को देखी तो उसने सोचा कि बहुत मीठे अंगूर हैं। पहले उस ग्रेप्स का बहुत तारीफ की। उसके बाद जब उसे वो ग्रेप्स नहीं मिला तो उसने उस ग्रेप्स को खट्टे खट्टे कहकर उसे छोड़कर आगे को चल दिया। तो ये जो स्टोरी है ये है मॉरल स्टोरी। मॉरल स्टोरी का काम है हमें कुछ नया सीख देना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हमारे अंदर कोई लालच होती है तो हमें उसको पाने की जब इच्छा होती है तो हम उसकी तारीफ कर देते हैं, और जब वो हमें नहीं मिलता है तो हम उसको बुरा कह के आगे निकल देते हैं। तो हमें बच्चों ये सीख मिलती है, तो हमें एक जैसा होना चाहिए, किसी को खराब अच्छा नहीं कहना चाहिए। मॉरल स्टोरी का यही काम है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं और वीडियो डालने वाली हूँ स्टोरी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिम मिश्रा।